चुनाव से पहले आरजेडी ने घोषणा कर दी कि हम शिक्षकों का सब चीज मान लेंगे। बिहार में ये आरजेडी नहीं, 2015 में यही काम भाजपा ने किया था। जो विपक्ष में रहता है वो शिक्षकों को एक झूठा आश्वासन दे देता है कि हम शिक्षकों को नहीं पूरे समाज को, हम आएंगे 10 लाख नौकरी दे देंगे, हम आएंगे जितने संविदा कर्मी है उनको ठीक कर देंगे, हम आएंगे शिक्षकों की व्यवस्था ठीक कर देंगे। जो कह रहा है लोग उनसे ये नहीं पूछ रहे कि साहब आप ही के बाबूजी, आप ही के माताजी तो 15 साल थे, उस समय आपने 10 लाख नौकरी क्यों नहीं दे दी, वो आप पूछिएगा नहीं। तो स्वाभाविक तौर पर जब आप अंधभक्त होकर वोट दीजिएगा तो आप ठगे ही जाइएगा। अगर आप अंधभक्त होकर प्रशांत किशोर से भी जुड़िएगा, बहुत लोग हमको कहता है कि आप तेजस्वी के 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, मोदी की बात नहीं कर रहे, हम तो दोनों की बात कर रहे हैं, हम अपनी भी बात कह रहे हैं कि अगर मैं भी आपको कह रहा हूं कि आकर यहां नौकरी दे दूंगा, तो जब तक मैं उसका कोई कार्यक्रम ना दूं कि नौकरी कैसे दूंगा, तो मैं भी आपको ठगूंगा। तो यहां लोगों को तो पूछना ही नहीं है, कोई आया कहा मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा, भाई तेजस्वी यादव ने कहा था पहले कैबिनेट में दे दूंगा, अब आप बंगाल उत्तर प्रदेश कहां कहां घूम रहे हैं, घूमिए, कैबिनेट हो रही कि नहीं हो रही पहले ये बताइए। अगस्त से आप कैबिनेट में बैठे हुए हैं, रोज आप ट्वीट कर रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि पहले कैबिनेट के बजाय 100 कैबिनेट हो गया, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, और नहीं मिल रही तो कम से कम मांगो माफी कि भाई हमने झूठा तुमको बोला था, आश्वासन दिया था वोट लेने के लिए। ये तो सब जानते हैं कि जीवन उनका बीत जाएगा, 10 लाख नौकरी वो नहीं दे सकते। जो आदमी खुद अगर लालू जी का लड़का ना हो तो उसको नौकरी ना मिले, वो दूसरों को क्या नौकरी देगा। अगर तेजस्वी यादव लालू जी के लड़के ना हो तो उनको कौन सी नौकरी मिल जाएगी इस देश में, जरा हमको बता दीजिए आप।